नमस्कार ऑल ऑफ यू यूथ्रीथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भाग करेंगे। दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं कि वो पूर्णांक कौन कौन से हैं, और कर्मागत का मतलब होता है लगातार, तो वो लगातार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक एक्स और एक्स जमा में ए, या हम एक्स जमा एक और एक्स जमा दो मान सकते हैं, एक्स जमा दो और एक्स जमा तीन मान सकते हैं। तो हमने एक्स, पहला पूर्णांक एक्स और दूसरा पूर्णांक एक्स जमा एक मानना है। अब वो कह रहा है कि पर्सन के अनुसार, पर्सन अनुसार वो कह रहा है कि दो कर्मागत, तो हमारे पास दो कर्मागत पूर्णांक थे एक्स और एक्स जमा एक, जिनका गुणनफल 306। तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे, एक्स ब्रेकिट एक्स जमा एक बराबर 306। अब एक्स को एक्स जमा एक से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स को जमा एक से गुणा करेंगे एक्स बराबर 306। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पर ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर जमा एक्स माइनस 306 को दूसरी साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 306 बराबर 0। तो हमारे पास द्विघात समीकरण बढ़ गया, एक्स का स्क्वायर जमा एक्स माइनस 306, और द्विघात समीकरण को हम लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास एक्स का स्क्वायर मीन्स एक का गुणांक एक है, ए बराबर एक है, बी बराबर एक है और सी बराबर माइनस 306। तो हम ए और सी की गुणा करेंगे और ए और सी की गुणा हमारे पास होती है 300 माइनस 306। अब हम माइनस 306 के फैक्टर बनाएंगे, 306 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनकी गुणा करें तो 306 और जोड़े और घटाएं तो हमारे पास एक बचे। तो हम 306 के फैक्टर बनाएंगे तो हम इसको दो से भाग करेंगे, दो एकम दो, दो पांच दस और दो तिया छः, फिर तीन से करेंगे, तीन पंज पंद्रह और तीन एकम तीन, उसके बाद फिर तीन से सत्रह तीन 51। तो अब हमारे पास 306 के फैक्टर बन गए, दो तीन तीन और सत्रह। अब हमें तो इनके टुकड़े बनाने हैं, तो तीन तिया नौ, नौ दुनी अठारह, अठारह गुणा में सत्रह गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं 306, और 18 में से हम अगर 17 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा एक, जो हमें यहाँ x का गुणांक हमारे पास एक है। तो हमारे फैक्टर हो गए 18 और 17। तो अब हम इसको रखेंगे x का स्क्वायर जमा बड़े बड़े फैक्टर को हम पहले रखेंगे, 18x और माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0 होगी। अब हम एक्स स्क्वायर जमा 18x में से कॉमन लेंगे और माइनस 17x माइनस 306 में कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन हमारे पास आएगा x, तो यहाँ बचेगा x जमा में 18, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा का मतलब है x गुणा x और यह 18 गुणा x, तो एक्स स्क्वायर x में से x को मान लेंगे तो यहाँ बचा हमारा x, और 18x में से x को मान ले लिया बचा 18। अब इसमें से को मान लेंगे तो हमारे पास यही ब्रैकेट दूसरी आनी चाहिए वरना हमारा सवाल गलत होगा बराबर 0। तो यहाँ अगर किसी को समझ में ना आए तो इस संख्या को हम किस से गुणा करें, तो माइनस 17 से गुणा करेंगे जो हमारे पास 17 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 17 17 को,
x से गुणा करेंगे माइनस 17 और माइनस 17 को जमा 18 से गुणा करेंगे तो माइनस 306। अब हमारे पास x जमा 18 और x माइनस 17 बराबर 0, जो हमारे x स्क्वायर जमा x माइनस 306 के दो फैक्टर बन गए, x जमा 18 और x माइनस 17। अब इन दोनों के बराबर 0 रख लेते हैं, x जमा 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0। x बराबर 17 और यहाँ x बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 18। अब हमारे पास x के दो फैक्टर आ गए, एक तो माइनस 18 और दूसरा 17, परंतु माइनस 18 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, क्योंकि माइनस 18 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो x बराबर हमारे पास 17 और दूसरा पूर्णांक हमने माना था x जमा 1, तो ये हो जाएगा 17, x की वैल्यू 17 है तो x जमा 1 बराबर 18। तो हमारे अभीष्ट हल हैं, अभीष्ट पूर्णांक 17 व 18 जो हमारे लगातार है। यह हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। U3, मैं उम्मीद करता हूँ U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर रखेंगे ताकि इसे हम अच्छे से समझ पाए। धन्यवाद।